एक्शन कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ ने किया सामग्री का वितरण। असम नागालैंड सीमावर्ती डी सेक्टर के मैरापानी में स्थित 142वीं वाहिनी सीआरपीएफ कैंप परिसर में सीमावर्ती लोगों के मध्य जरूरतमंद वस्तुओं का वितरण किया गया। सिविक एक्शन कार्यक्रम 2020-21 योजना के अधीन 142 वाहिनी सीआरपीएफ ने स्ट्रीट लाइट, पानी विशुद्धिकरण करने वाला मशीन तथा विभिन्न खेलों की सामग्री आदि का वितरण किया। सिविक एक्शन कार्यक्रम 2020-21 के वितरण सभा में 142वीं वाहिनी कमांडेंट भरत कुमार बैस ने उपस्थित रहकर अपने हाथों से उक्त सामग्रियों को वितरण किए। आज 142 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विशेष के अंतर्गत हमने आवश्यकता को देखते हुए जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी सोलर लाइट का वितरण किया। इसी प्रकार से स्कूल वगैरह में वाटर डिस्पेंसर का वितरण किया और जो हमारे खिलाड़ी थे जिनको आवश्यकता थी स्पोर्ट्स के सामान का हमने वितरण किया। और इसके अलावा सीआरपीएफ समय समय पर इनके जो भी आवश्यकता होती है इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करती रहती है। हाँ, डेब एरिया के अंदर 142 बटालियन होने के कारण इसके अंदर नागालैंड, आसाम और जितनी भी जनजाति है वो सभी बच्चों ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया और एक छोटा सा सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इष्ट में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। इष्ट में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। मैं निहत्था ही सही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी